हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज लाहौल घाटी में मेरा ये लास्ट ब्लॉग है क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 साल हो गए और ये 2 साल कब बीते मुझे पता भी नहीं चला और आज जाने का समय भी शुरू हो गया है। आज मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ मगर मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बनाए। परिवार जो मेरे सारे लोग थे आसपास, सारे परिवार की तरह थे, इतने सपोर्टिव थे यहाँ के लोग। यदि मुझे जीवन में मौका मिलेगा तो मैं दोबारा आना चाहूँगी इस घाटी में। उदयपुर से विदा होने से पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिली और फिर समय था दादी और उनके परिवार से मिलने का। हम 2-3 दिन पहले ही अपना सामान भेज चुके थे और इन दिनों हमारा तीनों टाइम का खाना दादी के घर में ही था। हम यहाँ पर रेंट में रहते थे मगर सच बताऊँ तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता था कि हम रेंट में रहते थे। इतना अच्छा पारिवारिक माहौल था यहाँ पर। दादी की तबीयत कल रात से थोड़ी ख़राब सी है। उनकी एज लगभग 80+ है और इस एज में भी वो बहुत एक्टिव है। कुछ देर बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी आ गया और ब्रेकफास्ट में बने थे आलू के पराठे जो कि बहुत टेस्टी थे। थैंक यू बुआ जी। ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोगों ने मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, जिसमें से बुआ जी और अन्य लोगों ने हैंडमेड सॉक्स दी जो कि बहुत गर्म हैं, और दादी जी की पोती सूची ने मुझे शॉल गिफ्ट करी। सच कहूँ तो काफ़ी टाइम पहले से मैं सोच रही थी जब मैं यहाँ से निकलूँगी तो मनाली या कुल्लू से शॉल खरीदते हुए जाऊँगी। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ काम आएँगी और इन सभी लोगों की बहुत याद दिलाएगी। अब वक्त था इन यादगार लम्हों को कैमरे में कैद करने का। ये यादें ही हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ से बहुत खूबसूरत यादें समेट कर ले जा रही हूँ। आज यहाँ सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सबसे ज़्यादा दादी जी क्योंकि वो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। उदयपुर छोड़ने से पहले हमने मिरकुला माता जी के भी दर्शन किए और फिर निकल पड़े हम अपने अगले सफ़र की ओर। जो सबसे बड़ा अनुभव था मेरे लिए वो था स्नोफॉल में एंजॉय करना।
एज अ टूरिस्ट। स्नोफॉल तो कहीं पे भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन घर की छत से बर्फ़ को साफ़ करना, घर की गलियों से बर्फ़ हटाकर रास्ता बनाना, ये खूबसूरत एहसास यहीं मिल सकता है। शायद ही अब कभी ऐसा मौका मिले। मैं यहाँ 2022 में आई थी। दिल्ली में पली बड़ी होने के कारण यहाँ पर सर्वाइव करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि यहाँ विंटर में टेम्परेचर -20 to 25 जाता है। कभी 2 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। जब मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा तो यहाँ के गांव का दौरा किया, यहाँ के कल्चर को और भी करीब से जानने का मौका मिला। लाहौल घाटी के लोग काफ़ी ज़िंदा दिल और खुश मिजाज लोग होते हैं। ये है तांडी संगम और उसके ऊपर है गुरु घंटाल जी का मंदिर, जहाँ पर मैं समर में विजिट कर चुकी हूँ। सर्दियों में थोड़ा बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। चंद्रभागा नदी के पार एक गांव दिखाई दे रहा है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, ना ही कोई बोर्ड लगा रखा है उस गांव का, मगर इतनी सुंदर लोकेशन में वो गांव है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में रहते हैं वो लोग। हम पहुंच चुके हैं तांडी। यहाँ आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला रास्ता उदयपुर कैलाड़ होते हुए जम्मू को कनेक्ट करता है और दूसरा रास्ता कैलोंग होते हुए लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है। यह है तांडी की मार्केट। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे तो इसलिए सारी मार्केट क्लोज है अभी। यह है तांडी का पेट्रोल पंप। यदि आप उदयपुर कैलाड़ की तरफ जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की टंकी यहीं पे फुल करवा लें, क्योंकि आगे जाके आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और यदि आप लद्दाख की साइड जा रहे हैं तो आगे जाके आपको कैलोंग में एक पेट्रोल पंप मिलेगा। तांडी से 1 या 2 किलोमीटर आगे ही पहुंचे थे कि पहाड़ी से एक पत्थर गाड़ी के सामने गिरा, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और साइड में हैवी स्टोन से टकराते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। हमारी स्पीड बहुत कम थी, नहीं तो गाड़ी पलटकर नदी में गिर जाती। ये हमारे इफ्ट मित्रों की कृपा ही होगी, बिना किसी सिंगल खरोंच के हम बच गए, जबकि गाड़ी नीचे से पूरी तरीके से डैमेज हो गई। इसी दौरान कुछ यात्री वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने आगे जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। विद इन 5 मिनट पुलिस भी हेल्प के लिए पहुंच गई, जिन्होंने हमारी काफ़ी सहायता करी। यहाँ बजिए गाड़ी, ये बच गए भाई, बंदे बच गए, पर यहाँ चढ़ गई थी गाड़ी। ये मुलिंग ब्रिज के पास, थोड़ा ध्यान से चलें सभी। अभी ये फैमिली बेचारी, अब देखो बच गए, पर चलो चली 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 चली। गाड़ी ऊपर से तो ठीक है, लेकिन नीचे से सारी खत्म हो गई है गाड़ी। बंदे सारे के सारे सेफ हैं भाई। पुलिस की सहायता से हमने अपनी गाड़ी वो सामने खड़ी कर दी है। स्लाइडिंग जोन होने के कारण अभी भी वहाँ पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर दोनों साइड से गिर रहे हैं, इस साइड से भी गिर रहे हैं और साइड से भी गिर रहे हैं। अभी हमने रिकवरी वैन बुलाई है, जो कि मनाली से आएगी, जिसे पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। तब तक हम वेट करते हैं। यहाँ पर बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है और यहाँ पर कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम शेल्टर ले सकें, तो मुझे ये एक वो दिखाई दी, जीप दिखाई दी और मैं इसी में ही बैठ गई, क्योंकि इस हवा, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है कि 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है बाहर।
काफ़ी देर वेट करने के बाद रिकवरी वैन भी आ गई है।